चिकित सब कोई फोन आया धमकी पता क्या मामला? भाई फोन तो आते रहे, हम पुलिस को बताते रहे, पुलिस कुछ काम करती नहीं। अब क्या साजिश है इनकी भाई? एक आप देखो और पकड़ कर तो ले आवे, फोन फान करे है, कोई धमकी दे, गाली गलौज करे, हम भी और सम्मानित आदमी होंगे। और कोई हमको थोड़ा वहाँ गाँव में गौरव को जो साहब को तो आधा कुण वाले रखा है इन्होंने। देखो या तो पुलिस प्रशासन कर लो कुछ, नहीं तो जिस नंबर से फोन आएगा उस नंबर को हम सार्वजनिक करेंगे। अब यह जनता देखेगी उस नंबर को, फिर यह ना कहियोगे जी जनता उन्हें कुछ कह रही रो कर रही, हम आज लोग कुतो कर रहे। या तो पुलिस प्रशासन जो पहले भी तहरीर थी उसका कुछ नहीं बताया, अब भी तहरीर थी, पकड़ के जाओ, पूरा सिस्टम है भाई, बूझ दो है कौन आदमी है। तो किस तरह की बात? वो तो न्यूसेंस करते हैं, एक तंग करने वाली बात होती है, कोई मारने की भी बात करें, कोई गाली गलौज करे हैं, तो ये इस तरह की बात करें। कब से शुरू हुआ है धमकी देने वाला सिलसिला? ये तो धमकी देने वाला भाई जब से आंदोलन शुरू हुआ था, ये तो जब से चल रहा है। कुछ दम कितने लोग धमकी देते हैं? ये तो होंगे सैकड़ों से भी ज्यादा होंगे, कुछ एक आधा तो सिर फिरा मिल जा रहे, सड़कों पर भी मिल जाए। तो एक दिन तो चार गाड़ी तोड़ी उन्होंने, कुछ एक आध जगह वैसे भी मिले, सड़कों पे भी मिल जा, कुछ फोनों पे मिल जा, कुछ हम पुलिस को बता दें, कुछ के नंबर ब्लॉक कर दें। अभी तक कितने लोगों पर कार्रवाई की? कार्रवाई कुछ नहीं, एक पकड़ा था बस एक दिन, उससे पूछताछ करी होगी उन्होंने, फिर अपना छोड़ दिया गो, यहाँ का ही था। मुझे फोन करके ये तो कहीं पाते हैं परिवार वालों पर सबको, तो ये लगता है कि धमकाने वाली बात है। आंदोलन आपको एक तरह से डिस्टर्ब करे, मतलब डिस्टर्ब करने वाली बात रहती है। मतलब किस तरह के लोग? अरे नहीं गई लोग होंगे और कौन रहते जो इनकी आईटी सेल है, ये होते होंगे, यही नंबर सार्वजनिक करते हैं हमारे। और जिस दिन आएंगे तो एक दिन में बहुत बहुत फोन आएंगे, फिर बीच में बंद हो जाएंगे, फिर आते रहते हैं। जैसे आज भी आया वो, उसने 5-6 बार फोन करा होगा, तो आज भी आया, पहले भी आए, कुछ तो हम बताते ही नहीं। जब कोई ज्यादा ही तंग करे तो फिर उसका नंबर बताना पड़ता है पुलिस को। तो क्या कहना चाहेंगे जो धमकी देने वाले? अरे धमकी क्या भाई, पुलिस अपना कार्रवाई कर ले, इन्हें पकड़ कर पूछ ले इनसे भाई क्या कार्रवाई कर रही है पहले भी। अब करते नहीं है तो ये तो भाई पुलिस बताओगे, ये कप्तान साहब बताओगे या यहाँ का दरोगा बताएंगे? पहले भी इनको तहरीर दे रखी, पहले अशोक के नाम से दुआई थी, आज उसके नाम से दुआई है। कानून ने तो सही बता दे है जी, फिर भी आपको भी इंसाफ नहीं मिल पा रहा? इंसाफ यहाँ मिल किस रहा? ये तो बैठे यहाँ पे कुछ लोग हो रहे हैं जो झगड़ा कर रहे तो उन्हीं के घरों पर तोड़ फोड़ कर रहे, उन्हीं की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, जेल जा रहे। तो कोई आंदोलन वगैरह? नहीं नहीं, हमें कहीं का आंदोलन करना है इस पर, कोई आंदोलन भाई ये नहीं मानना कि हम भी उनके नंबर सार्वजनिक कर देंगे। जनता फिर उनको कुछ कहे तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है।